हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमारे पास एक गाड़ी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आई गेस मैंने अपने एक दो दोस्तों को भी बताया तो उन्हें नाम भी नहीं सुना था। तो ये कावासा की ER6N डिसकंटिन्यूड है, ठीक है, लेकिन दिस इज़ अ व्हीकल कावासा की तरफ से जो कि बेनेलिटी एंटी की तरह लगती है। ठीक है, देखो साइड माउंटेड मोनोसॉक सस्पेंशन बैक में, एंड दिस इज़ अ आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, बट मस्त बाइक लग रही है। अभी राइड रिव्यू नहीं करा, एंड ऑब्वियसली एक 650cc इंजन है, ER6N डिसकंटिन्यूड। जब ये लास्ट डिसकंटिन्यू हुई थी इंडिया में उस टाइम इसका एक्स शोरूम प्राइस था 5 लाख रुपए, एंड ऑन रोड जो भी पड़ती होगी 6-6.5 की। ठीक है, बाकी अभी मैं इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ, फिर एक शॉर्ट राइड पे चलेंगे यहीं से। बाकी ये गाड़ी सेल के लिए है, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली नंबर पे कॉल या टेक्स्ट कर सकता है, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बाकी ये जिनके पास ये गाड़ी है उनका कार्स का सेलिंग का बिजनेस भी है, सेकंड हैंड कार्स मिल जाएंगी, तो मस्त कॉन्टेक्ट करो। बाकी गाड़ी की डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं हम। एक 649cc का 6-speed मैनुअल, मतलब वही 1-down 5-up ये मिल जाता है, लिक्विड कूल्ड इंजन, डुअल सिलेंडर इंजन मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ का इसका स्पीडोमीटर पे जाओ तो 1-down 5-up वाले मिलता है, लेकिन ये स्पीडोमीटर लगे आप यहाँ आपका पैरों का ये पीछे की तरफ आ रहा है एंड ये ऊपर नीचे होगा। बाकी अगर हम बात करें पावर के इंजन की तरफ में तो 71 bhp के पावर, 8,500 rpm पर, 64 nm का टॉर्क 7,000 rpm पे, काफ़ी हुज। मेरी दूसरी गाड़ी है जिसमें इतनी bhp पावर है और जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ। बाकी देखो फुल मेटल टैंक मिल जाता है, 16 लीटर का टैंक है जो कि अच्छा खासा है, 16 लीटर। हाँ यार, बहुत होता है 16 लीटर देखा जाए तो। ठीक है, और नेट पे इसका माइलेज 17 है, आपको कितना निकाल दें, हाँ तो 17-18 के अराउंड ही माइलेज आ रहा है, रेंज वही 272 पड़ रही है। फिर बाकी आपको यहाँ पे वेट मल्टीप्लेट क्लच मिल जाता है। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में डुअल डिस्क मिलती है टोकिको की फ्रंट में डुअल डिस्क मिलती है, एंड बैक में भी टोकिको की डिस्क मिलती है जो कि अच्छी खासी मोटी है। बाकी इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है जो कि अगले ब्रेक्स में, पिछले ब्रेक्स में ABS नहीं है। ये गाड़ी लास्ट डिसकंटिन्यू कब हुई थी ये मुझे याद नहीं। बाकी सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, और यहाँ पर एक TNT की तरह साइड माउंटेड ग्रीन कलर का मस्त सा सस्पेंशन मिलता है जो कि राइट साइड पर माउंटेड है। बेनेली में भी राइट साइड पे ही है, लाल रंग का व्हाइट कलर वाली बेनेली में TNT 600 है, वो भी मस्त दिखता है। अगर वेट की बात करें तो इसका वेट बेनेली से कम है, बेनेली का वेट है 223 kg के अराउंड, एंड इसका वेट है 204 kg के अराउंड, तो अराउंड 20 kg का अंतर है। एंड मैं सच्ची बताऊं, जब मैं हंटर का रिव्यू करने गया था तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि 10-15 kg कम करी उन्होंने, जो वैसे रॉयल एनफील्ड आती है हंटर में 10-15 kg कम है, एंड वो ह्यूज डिफरेंस लगता है, मजाक से हट के बहुत डिफरेंस होता है 20 kg का, तो बहुत अंतर आ जाता है। और ये गाड़ी मैंने अभी वहाँ से थोड़ा सा यहीं तक लेके आया था, एंड मेरे को डिफरेंस महसूस हुआ कि 20 kg का डिफरेंस क्या होता है। चलो बाकी अब लुक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा हेड मिल जाता है, यहाँ पर आपको बल्ब मिलते हैं, यहाँ पर भी बल्ब मिलते हैं, ये पूरा आपको एक बड़ा सा हेड मिल जाता है बल्ब वाला। बाकी चारों ही बल्ब इंडिकेटर है, ये वाला भी और ये भी, चारों ही बल्ब इंडिकेटर हैं। ठीक है, और अगर हम चेसी की बात करें तो चेसी इसको एक नाइस ही लग रही है, यहाँ से पूरा एक पाइप जा रहा है जो यहाँ तक कनेक्ट हो रहा है, फिर ये कनेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ से एक पाइप आ रहा है जो ये कनेक्ट हो रहा है, ये पूरा पाइप वाला अपना स्विंग आर्म है। ठीक है, बाकी एक मस्त चीज़ जो मैं स्टार्टिंग बतानी चाहिए थी लेकिन अब बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाता है ST Projekt फर्स्ट कॉपी लगा हुआ, सुनोगे इसकी आवाज़, डुअल सिलेंडर इंजन है 649cc, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ये ST Projekt फर्स्ट कॉपी डुअल सिलेंडर इंजन, आवाज़ एकदम फाड़ फुल पटाखे छोड़ रही गाड़ी, फ्लेम्स ही निकलती हैं इससे, फ्लेम्स निकल जाएंगी वैसे इससे क्योंकि इसमें कैटेलिक कन्वर्टर नहीं है ना, तो निकल सकती हैं इससे फ्लेम्स, बाकी अभी आज तक ट्राई नहीं करी। बाकी देखो गाड़ी पूरी चमक रही है। चलो अब थोड़ा सा इस वाले सेक्शन पर जाते हैं, जो ये वाला सेक्शन है बैठ जाते हैं। ठीक है, सीट हाइट के बारे में इसी पर बताता हूँ, सीट हाइट इज़ क्वाइट नॉर्मल, मतलब मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ, मेरे पैर आराम से आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे से थोड़ी कम हाइट भी, मेरी 5'11" थोड़ी सी कम होगी तो भी चल जाएगा। बाकी स्पीडोमीटर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर आपको एक RPM मीटर मिल जाता है, इंजन किल स्विच मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट लाइट, हजार्ड लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, पास लाइट, और एडजस्टेबल ब्रेक और एडजस्टेबल क्लच है। ठीक है, बाकी अब की ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, न्यूट्रल, ये ABS की आवाज़ थी जो थी ई वाली अगर आई हो। बाकी यहाँ पर फ्यूल गेज, टाइम, ऑडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2, ऑडोमीटर नहीं, ये माइलेज है, रेंज, ऑडोमीटर, ठीक है, ये सब आ जाता है। ये लिमिटर का साइन है, और ये RPM तो बता ही दिया। बाकी यहाँ पर लाइट का, बाकी यहाँ पर आपको ये निसिन का ये मिल जाता है, अपना क्या कहते हैं,
फ्रंट ब्रेक ऑयल का सेक्शन, और ये कुछ ऐसा लुक देगी आपको जब आप इस पर बैठोगे। मिरर्स की बात करते हैं, मिरर्स थोड़े से वो निंजा 300 टाइप लग रहे हैं, लेकिन थोड़े से अलग हैं और थोड़े से छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो सकते थे। टैंक देखो क्या प्यारा दिख रहा है, एंड ये वाली कलर स्कीम, दिस ग्रे सिल्वर स्पेस ग्रे एंड दिस ग्रीन नियॉन ग्रीन, भाई कावासाकी का नियॉन ग्रीन स्पेस ग्रे के साथ फाड़ लगता है। ठीक है ठीक है, बाकी पीछे ग्रिल्स मिल जाती हैं और कुछ शायद से ही रहा हो, अगर रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो देख लेंगे। बाकी हेलमेट पे पहनते हैं, एक्शन कैम लगाते हैं, एक क्विक राइड पे जाते हैं फटाफट, तो हेलमेट एक्शन कैम में मिलते हैं। हाँ तो गाइस अभी हम इसको लेके जा रहे हैं थोड़ा सा हाईवे पे, मेरे पीछे भैया बैठे हैं। भाई एग्जॉस्ट नोट जो अलग ही आ रहा है ना, पैर के बिल्कुल नीचे एग्जॉस्ट और अलग ही वाइब्रेशन आ रही है। अरे गिर गिरना मत, अरे ठीक है भाई, इसका पिकअप ज़्यादा है। भैया मेरे को स्टार्टिंग से कह रहे थे कि इसका पिकअप ना TNT 600 आई से ज़्यादा है, और पता चल गया अभी कि ज़्यादा है। पक्का ना गिरना ना भाई, ये तो पहला गियर है, आगे से क्या उठ रही है गाड़ी। अब मैं मेन रीज़न अगर तुम्हें बताऊंगा, मेरी आवाज़ सही आ रही है अभी भी, तो इसका मेन रीज़न है इसका वेट जो 20 किलो कम है ना, मैं कह रहा था 20 किलो इज़ बहुत डिफरेंस होता है, 20 किलो कम और PS में पावर जो ज़्यादा है भाई। बहुत पहले गियर का जो पिकअप था ना भाई, बहुत तगड़ा। भाई ये वो गाड़ी है जिसको मतलब मेरे को ऐसे आगे तक आगे को खींचना पड़ रहा है कि हाँ मेरे को इस गाड़ी पे रहना है, मैं उड़ू ना, और पीछे भैया बैठे तब। भाई पावर है भाई, 2 सिलेंडर है, मेरे को लग रहा था कि इनलाइन 4 है, TNT तो उसकी भाई अलग ही बात है। देखो इनलाइन 4 के इंजन की आवाज़ सुपर, कोई बीट नहीं हो सकता, लेकिन इसका 2 सिलेंडर की पावर भाई प्यारी भाई। चलो एक छोटे से जंगल में चलते हैं, वहाँ पे थोड़े से फोटो खींचेंगे थंबनेल के लिए, एंड फिर चलेंगे वापस। भाई ये दूसरे गियर पे है, मैं ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ इससे, पकड़ना मेरे को, पकड़ लो ज़रा। भाई इंजन ब्रेकिंग, भाई मैंने बस रेस छोड़ी और गाड़ी जो रुकी है ना एकदम से धूम करके, देखो फ्रंट ABS है विच इज़ नाइस, हॉर्न तो ना के बराबर है। भाई कान जो भर भर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता माइक में आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। तीसरा गियर अब डाला है मैंने, पता है यहीं पे कहीं पे खड़ी करके फ़ोटो खींचते हैं गाइस। जैसा मैंने बोला था मिरर्स आर क्वाइट ओके, इतने कुछ खास नहीं है, इसे मोड़ना इज़ मच ईजियर कह रहा हूँ, इसे मोड़ना इज़ मच ईजियर, क्योंकि क्लच छोड़ती गाड़ी खुद नहीं भागती है, अंधेरे में देखो स्पीडोमीटर नीला जल रहा है। भाई गाड़ी है भाई, पिकअप है भाई, मजाक से हट के मेरे को लगा नहीं था कि, देखो मैंने वो गाड़ी जब चलाई थी ना, मैंने TNT 600 आई चलाई थी, मैंने ट्राई करा था एक दो बार ना, मैं अकेला ही था उस पे, मैं ट्राई करा था, बट उसमें ऐसे झटका लगा, इसमें जो उठा ना मेरे को एक सेकंड को लगा अगला पहिया उठा है, जब मैंने पहले गियर पे पिकअप दिया और आप पीछे गए ना, मेरे को एक सेकंड लगा अगला पहिया उठा है, और फिर जो गाड़ी नीचे है, जैसे वो गाड़ी नीचे आई ना मैंने, भाई ये तो कुछ तो बवाल है भाई, तगड़ी गाड़ी है भाई, अगर आवाज़ आ रही है तो, नहीं तो वॉइस ओवर करना, लेकिन गाड़ी तगड़ी है। ठीक है गाइस, तो ये भाई अगर मैंने थंबनेल में ये लिखा कि इज़ इट बेटर देन TNT 600, भाई तो है भाई, जो 20 किलो कम है ना उसने फाड़ दी भाई, बहुत ही सही फाड़ दी। चलो अब वापस चलते हैं जहाँ से हम आए हैं, दुकान पे वापस चलते हैं उनकी, और वीडियो को रैप करेंगे। एक लास्ट राइड दुकान की तरफ, एग्जॉस्ट नोट तो तुमने सुन ही लिया, एक बार और सुनोगे, गाड़ी न्यूट्रल नहीं है, रुक जाओ न्यूट्रल कर लूँ, सुनोगे ये एग्जॉस्ट नोट पावर। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं ना जो रिव्यू करता हूँ ना कि हाँ ये मेरे को कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, मुझे बस याद आ रहा भाई क्या पावर है इस गाड़ी में। देखो पहले गियर पे भैया मेरे पीछे बैठे थे, मैं ऑब्वियसली पहली बार चला रहा हूँ, मैंने हल्का सा यूं करा और गाड़ी आगे से उठ ली भाई, मतलब पहिया उठा नहीं उठा मुझे नहीं पता, लेकिन इसके सस्पेंशन जैसे मैंने रेस छोड़ी ना सीधी यूं आगे को आई ना सस्पेंशन, भाई बेनेली से ज़्यादा पावर है, मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, हल्के हल्के चलेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, बेनेली में होगा इनलाइन 4 इंजन, लेकिन भाई पिकअप फाड़ दिया इसने 2 सिलेंडर में। करेंगे एक स्ट्रेच, करेंगे एक स्ट्रेच ले क्या, ले लो पकड़ो, ठीक है एक स्ट्रेच ले रहे हैं,
भाई पूरा स्ट्रेच सिर्फ पहले गियर पे लिया, मैंने दूसरा गियर डाला ही नहीं, पहले गियर पे गई जो भी 102 103 गई ना सिर्फ पहले गियर पे, दूसरा गियर डाला ही नहीं, पूरा स्ट्रेच पहले गियर पे खींच दिया। मैं मानता हूँ इनलाइन फोर इंजन नहीं है, लेकिन भाई सुपर बाइक, मैं तो सुपर बाइक बुलाऊंगा, ऐसे अभी है कि नहीं है मुझे ऑफिशियली पता भी नहीं है, लेकिन आई होप सो कंसीडर होती होगी 650 cc इंजन है भाई। ऐसे एग्जॉस्ट का एक फ़ायदा और है, तुम्हें हॉर्न मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाड़ी खुद ही हट जाती है साइड। चलो थोड़ी सी बातें भी करते चलते हैं, मेरी एक्साइटमेंट को साइड रखते हुए। देखो सिटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है, मैं नॉर्मली बैठा हूँ, कोई अग्रेसिव पोस्चर नहीं है, और तो मैं लंबी राइड भी कर सकते हैं, तुम इस पे मैं नहीं, तुम लोग अगर तुम कोई गाड़ी लेता है या किसी के पास है या कोई लेना चाहता है तो ठीक है, तो तुम लंबी राइड भी कर सकते हो उस गाड़ी पर। सिटिंग पोस्चर काफ़ी कम्फर्टेबल है, गेयरिंग भी स्मूथ है, हाँ गेयरिंग स्मूथ है, क्लच हार्ड, क्लच ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन वही है कि तुम जरा सा भी छोड़ो तो गाड़ी ऑब्वियसली चलेगी, ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरा छोड़ना पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। तो वही वेट मल्टी डिस्क क्लच, और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो स्पोर्ट्स बाइक होने के नाते, नेकेड स्पोर्ट्स होने के नाते उतने स्टिफ नहीं है, लेकिन उतने खुले भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब वहाँ अच्छे खासे सस्पेंशन है, ऐसे नहीं कि बहुत ही स्टिफ है, ठीक ठाक है, मतलब ऐसे पिलियन को ज़्यादा पता चलता है जब राइड करते हो, तो इतना पता नहीं चलता गड्ढों का, पिलियन को अच्छे खासे पता चलता है, ठीक है। बाकी अगर कंट्रोलिंग की बात करूँ तो TNT से इस कंट्रोलिंग इसकी बेटर है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वेट कम हो जाता है एंड पोस्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। TNT काफ़ी ह्यूज सी लगती है, ये उतनी ह्यूज सी नहीं लगती है, एंड पैर आराम से अंदर ग्रैब हो जाते हैं, तो इट्स अ नाइस थिंग, ठीक है। और भाई मैं सच्ची सच्ची बताऊँ, मैंने एक दो बार ये स्ट्रेच करके देख लिया और अब मेरे मन में बैठ गया इसको भगाने में डर, तो मैं चल रहा हूँ आराम आराम से दुकान तक, जाते हैं गाड़ी दबाते, वीडियो एंड कर। भाई क्या गाड़ी है यार, मैंने पहली बार ऐसी इतनी मतलब मैंने पहली बार ऐसी सड़कों पर भगाई होगी सुपर बाइक, मज़ा आ गया। अभी इको में चल रही है, मतलब अगर तुम नॉर्मली चलोगे ना, ज़्यादा भगाओगे नहीं, तो तुम शायद से अच्छा माइलेज निकाल लो। ये देखो इको यहाँ लिखा है, अगर दिखाना हो पहले तो, ठीक है। हम इस गाड़ी को चलाकर आ गए हैं, तो जो भी राइड थी वो तुमने देख ही ली होगी। बाकी ये गाड़ी सेल के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, अभी भी बता देता हूँ, इसके प्राइस आस्किंग प्राइस है 3,45,000। तुम अगर इंटरेस्टेड हो सच में तो थोड़े थोड़े नेगोशिएबल भी हैं, तो तुम आके बात कर सकते हो, नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे को कमेंट डाल देना, मैं वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली बेटर देन TNT 600i परफॉर्मेंस के मामले में, लुक्स के मामले में तुम कह सकते हो, तुम्हारी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन मेरे को लुक्स के मामले में भी बिल्कुल कमी नहीं लगी, काफ़ी तगड़ी लगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।